हे गाइस, अभी सुबह 4:46 हो चुके हैं एंड मैं 4:30 पे उठा था और 15 मिनट मेरे को हो चुके हैं पूरा सेटअप वेटअप करने में। और यूजुअली मैं इस टाइम पे नहीं उठता हूँ, मैं आज वीडियो के लिए उठा था। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। वैसे तो मैं स्कूल के लिए 6-7 बजे उठता हूँ एंड अभी मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं उठा हूँ। देखो, बाल इतना बेकार हो गए एंड आवाज भी भारी है क्योंकि अभी डायरेक्ट मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो सुबह सुबह मेरी आवाज देख सकते हो कैसे होती है। बाकी मेरा भाई सो रहा है बगल में एंड मेरा सेटअप चेंज है क्योंकि मैं इस कमरे में सोता हूँ, ठीक है? एंड मैंने सोचा है, अभी मैंने एक टाइम टेबल बनाया तुम्हारा, मतलब कल बनाया था, तो एक सेकंड दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो, इसमें लिखा है कि हिस्ट्री चैप्टर 2 एंड करना है एंड इंग्लिश का चैप्टर नया चैप्टर शुरू करना है। तो हिस्ट्री का चैप्टर 2 एंड क्यों करना है? क्योंकि यार मेरा सिलेबस हाफ ईयरली में जो आया था ना, तो मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा था। बाकी अभी तो ढंग से पढ़ूंगा पूरा, ठीक है? तो इसलिए बाकी इंग्लिश को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स वाई मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ। एंड थका हुआ हूँ यार मैं अभी, मतलब 5 घंटे सोया था मैं और मैं उठ चुका हूँ पढ़ने के लिए। तो अपना स्टार्ट करते हैं स्टडी। अभी मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं सो जाता हूँ, बिकॉज आंखें देखो यार मेरी, ठीक है? चेक करो। एंड सोने का मन कर रहा है, बट चैलेंज है यार हमारा सुबह उठ के पढ़ना है और चेक करना है कि पढ़ाई कैसी होती है सुबह, क्योंकि अपनी वीडियो है यार मॉर्निंग स्टडी वर्सेस नाइट स्टडी। इसलिए तो अभी मैं पढ़ते हैं यार अभी जाकर। तो अभी मैं चैप्टर 2 के लास्ट लेक्चर पे हूँ, मतलब अभी ये वाला लेक्चर खत्म करूंगा, उसके बाद ये चैप्टर अपना डन हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 3 भी करवाया, चैप्टर 4 भी करवाया, चैप्टर 5 भी करवाया। ये 3 चैप्टर मेरे बैकलॉग बन गए हैं, इनके भी 5-5 लेक्चर हैं, मतलब मेरा 14-15 लेक्चर का तो हिस्ट्री का ही बैकलॉग है। बाकी सिलेबस अपडेट यही था एंड देख सकते हो यार अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये चीज़, और टाइम 5:21 पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारा भाई छत पर आ चुका है एंड स्कूल जाना है मुझे अभी, और रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए। यार मॉर्निंग स्टडी में क्या होता है ना, स्कूल जाना पड़ता है इसलिए ज़्यादा स्टडी कर नहीं पाते, बट जो भी स्टडी करते हैं प्रोडक्टिव करते हैं। एंड आगे की कहानी तुमको ये बंदा बताएगा। तो गाइस, हमारी मॉर्निंग स्टडी कम्प्लीट हो चुकी है और अब बात करता हूँ अपनी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और एक और चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो हमारे 2 पार्ट में है, पहला पार्ट है हमारा मॉर्निंग स्टडी, दूसरा पार्ट है हमारा नाइट स्टडी। तो मैं इतना सीरियस होकर क्यों बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। जोक्स अपार्ट साइड में यार, सबसे पहले प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फायदा है हमारा, सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारा माइंड फ्रेश होता है। लाइक जब तुम सुबह उठते हो ना, तुम एक बार फ्रेश फील करते हो यार, तुम मतलब ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने उससे पहले और तुम पहली पढ़ाई अपनी दिन की शुरुआत करने वाले, तो तुम्हें फ्रेश फील होता है। एंड दूसरा फायदा हमारा, लेस डिस्ट्रैक्शन। देखो सुबह तो बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता है तुम्हारे पास, क्योंकि देखो यार सुबह ना कोई बात करने के लिए होता ही नहीं है। लाइक कोई भी सुबह उठा नहीं होता घर में, एकदम सब लोग शांति से सो रहे होते हैं एंड और कोई भी दोस्त सगा नहीं होता। लाइक इंस्टाग्राम में किसी से बात करो, रील भेजो, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते तुम।
तो इसलिए तुम्हारे पास सुबह बहुत कम डिस्ट्रैक्शन होता है। और गाइस डिस्ट्रैक्शन यार अलग टाइप का भी होता है, जैसे तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो वो वाला डिस्ट्रैक्शन नहीं, मैं इधर दोस्तों वाला डिस्ट्रैक्शन बोल रहा हूँ, वो बहुत कम होता है सुबह के टाइम पे। और तीसरा फायदा है तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये मतलब नहीं कि तुम्हारे 24 घंटे से 36 घंटे 40 घंटे ये सब नहीं होता, मतलब टाइम इंक्रीज मेरे मतलब है कि तुम्हारे पास टाइम बच जाता है। लाइक तुम सुबह सुबह उठ के पूरा टाइम टेबल कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा। तुम्हारा सुबह सुबह सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम्हारा तुम सोचोगे क्या करूं क्या करूं पूरे टाइम, तो इसलिए तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो हो गया यार अब क्या करें, तो तुम्हारा सुबह अच्छे से पढ़ाई हो जाती है और ये सब हो जाता है। और आप कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, फायदे तो सबने गिना दिया, घाटों के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले नुकसान है यार डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है सुबह पढ़ने के लिए ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, मतलब लाइक सुबह जब तुम उठोगे ना तुम्हारी आंखें भारी भारी जैसे मेरा हुआ था, और मतलब तुम बहुत थके हुए फील कर रहे हो, जैसे सुबह सुबह उठो अबे यार कौन पढ़ेगा यार सो जाता हूँ ना 5 मिनट सो जा, ऐसा फील करोगे यार सुबह उठ के। मैं ऐसा कर रहा था भाई, बट उसको हटाना है, डिसिप्लिन लाना है यार अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। एंड दूसरा घाटा है तुम्हें नींद आएगी पढ़ने में, लाइक जब तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना तुम ऐसे करोगे क्या हुआ भाई, मतलब नींद आ रही है, लाइक तुम एक चैप्टर अगर तुमने आधा घंटा भी पढ़ा ना उसके बाद तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगे। तुम्हें इसको हटाना है, लाइक तुम फ्रेश होने के लिए ना मुंह धो लो ठंडे पानी से, नहा लो सुबह उठ के, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं करा तो मतलब तुम्हें ये करना ही पड़ेगा यार, नींद आ जाएगी वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइज ये मेरा ओपिनियन था, एंड अब मैं अपने एक दोस्त को कॉल करने जा रहा हूँ, उसका नाम मंडे है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है, वो स्टडी ब्लॉग डालता है, लाइक उसका नाम मंथन है। तो उसको कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ यार कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ उससे मॉर्निंग स्टडी वाली, ठीक है। तो उसको पता नहीं है, मैं उसको कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी रात के अभी 8:30 बज रहे हैं जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसको कॉल कर दे एक मिनट। देखो उसको कॉल जा रही है, अबे उठा ना भाई, कब उठाएगा। हेलो सुन सुनना, फ्री है क्या? हाँ फ्री हूँ। एक क्वेश्चन था देर से, पूछ। अबे यार मेरी आवाज रिपीट हो रही है वो। हाँ पूछ। ठीक कर दिया ना? हाँ कर दिया। तो तू ये बता कि तू मॉर्निंग स्टडी करता है नाइट स्टडी करता है? नाइट करता है। सुबह पढ़ने में क्या जा रहा है भाई, सुबह पढ़ना चाहिए यार, सब लोग बोलते हैं सुबह पढ़ने से अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छे से समझ आती है। सुबह भाई वो फिर डिसिप्लिन, वो सुबह सुबह उठना पड़ता है, फिर कैसे मतलब, फिर मेरे को ना काफी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, मतलब आंखें बहुत दर्द करती है मेरी, और क्या होता है मतलब बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है यार सुबह से पढ़ने में, मतलब कौन ही उठेगा सुबह सुबह रोज, फिर उसको नींद भी आएगी सुबह सुबह पढ़ने में, फिर उसको नहाना पड़ेगा, और मेरे जैसा बंदा नहाता भी नहीं है। भाई मैं भी नहीं नहाता यार। चल अरे मतलब मैं नहा रहा हूं यार, ऐसा नहीं। भाई वैसे ये प्रॉब्लम मेरी भी है भाई, सेम प्रॉब्लम है। चल तो सबसे मुश्किल पार्ट तो यही है मेरे लिए। हाँ। सुबह अरे तू वीडियो बना रहा है क्या? नहीं नहीं मैं नहीं बना रहा भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था कि सबसे मुश्किल पार्ट तो मेरे लिए ये होता है कि मुझसे बेड से उठा नहीं जाता, मैं बस सोता रहता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से उठता हूँ, और जिस दिन मैं उठ भी जाऊँ ना मैं एकदम क्वेश्चन सोल्व करता हूँ फिर मैं सो जाता हूँ, मतलब बहुत स्लीपी स्लीपी फील होता है, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होता। अच्छा। तो इसलिए मैं रात को पढ़ता हूँ। सही है, वैसे नाइट स्टडी भी करना चाहिए। चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ काम कर रहा था, ठीक है। चल ठीक है, ठीक है, बाय। अबे यार वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में बताने लग गया था, लाइक मैंने बस पूछा था, मतलब सही है यार बंदा डिटेल में बता रहा है। तो मेरी बात सुनो, देखो यार सही है, मतलब वो बंदे का भी ओपिनियन सही है, मतलब ऐसा होता है यार सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम मैंने अपनी ही बताई थी। अगर तुमको कोई और प्रॉब्लम भी होती है कॉमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, एंड इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है तो मैं उसके ऊपर भी आगे जाके वीडियो बनाऊंगा। लाइक जितने भी प्रॉब्लम है तुम कॉमेंट कर दो, और टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट डीएम करके बताऊंगा यार इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि मेरा यही तो काम है। तो यार इस वीडियो को करते हैं पर एंड, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है पता है यार, बट यार मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है, लाइक मुझे ना लिटरली मैं को पढ़ के देखना है, लाइक मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि मेरे को मॉर्निंग स्टडी करनी है मॉर्निंग स्टडी सही है, मैं करके दिखाऊंगा भाई मॉर्निंग स्टडी, तब जाके मैं तुमको ओपिनियन दूंगा अपना। तो इस वीडियो करते पर एंड, वीडियो से लगे तो लाइक और चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत,